कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र से हजारों मजदूर पलायन कर पिग्गंबर की सीमा में आ रहे हैं। बीजेपी द्वारा धूप गर्मी से बेहाल भूखे प्यासे मजदूरों के लिए भोजन, शरबत, दवाएं आदि की व्यवस्था की जा रही है। मजदूरों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए मनोज सिंह ठाकुर और उनकी टीम द्वारा भोजन, फलों के रस, जूते, चप्पल, कपड़े और दूध उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए टॉर्च भी वितरित की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है। उनका यह बंदोबस्त देखने के लिए इंदौर से वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर आदि पिग्डम्बर पहुंचे। मऊ से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मेरे जाबाज कार्यकर्ता साथियों ने जो अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया, ये व्यवस्थाएं जुटाकर मुझे गर्व है अपने ऐसे सब भाइयों पर। भाई मनोज ठाकुर, भाई महेश जी, उनकी सारी टोली, कॉलोनी का हमारे रहवासी संघ, इंदौर से आने वाले हमारे भाइयों की टोली, उन सबको कोटि कोटि नमन करती हूँ। क्योंकि विवेकानंद जी कह गए, नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये प्राकृतिक आपदा ने हम सबको बता दिया कि हम सब सच्ची सेवा की ओर प्रवृत्त हों। आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।